खबर है हिमाचल की, जहां बरसात के दिनों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मसूरी में पानी घुस जाने से डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के साथ इलाज के लिए आने वाले 85 से 90 गांव भर के लोगों के लिए समस्या पैदा हो चुकी है। अस्पताल में पानी भराव के कारण मुख्य मार्ग में एक पर्दा लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा शर्मसार महिलाओं को होना पड़ रहा है। मसूरी मुख्य मार्ग पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 दिनों के भीतर दूसरी बार घुटने तक पानी भर चुका है। इस स्थिति में सरकारी अस्पतालों का 2 घंटे की बारिश में ही बुरा हाल हो गया है। अस्पताल में हर वार्ड समेत ओपीडी रूम में भी बारिश का पानी भरा हुआ है। अगर मूसलाधार बारिश हुई तो मरीजों को अस्पताल से अन्य स्थानों में ले जाने की नौबत भी आ सकती है। अस्पताल परिसर के अंदर बाहर चारों तरफ तालाब सा नजारा बना हुआ है। वहीं अस्पताल के मुख्य द्वार से लेकर अस्पताल के भीतर तक तालाब सा नजारा देखने को मिल रहा है। जल भराव की वजह से मरीजों और कर्मचारी अस्पताल परिसर अंदर जाने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रवेश के गेट को बंद कर दिया गया है और पानी निकासी के लिए पंप लगाकर पानी सड़क के बाहर निकालने में कर्मचारी लगे हुए हैं। पानी के बीच ही मरीजों का इलाज एवं देखरेख करने आना चिकित्सकों और नर्सों की मजबूरी बन चुकी है। हर साल बारिश में यह अस्पताल परिसर पानी में डूबा रहता है। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है और ना ही इस मामले में कोई सार्थक पहल की जा रही है। लेकिन अस्पताल में ऐसे ही पानी भरा रहे तो बीमारी या शंका उत्पन्न हो सकती है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ सकता है। इलाज करवाने आए लोग इस जल भराव के कारण किसी अन्य बीमारी से ग्रसित ना हो, यह आशंका भी सता रही है। बारिश का पानी अस्पताल ही नहीं जनपद कार्यालय में भी भरा हुआ है। पानी की वजह से पूरा कार्यालय ही डूब गया है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।